छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अश्कुमारी। खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की शुरुआत करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के खुलमुना पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सीएम बघेल ने जांच अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और मामले की जांच के संबंध में उनसे जानकारी ली है। सीएम ने कहा है कि चारों बच्चों के नाम पर 1-1 लाख रुपए की अदायगी की जाएगी। चारों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च मुख्यमंत्री उठाएंगे और बच्चों के पालन पोषण के लिए मृतक के भाई को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आपको बताते चले कि बीते दिनों खुड़मुड़ा में अज्ञात शख्स ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खुड़मुड़ा पहुंचे हुए थे, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि बीते दिनों यहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था और इस मृतक परिवार के 4 बच्चे हैं जिनके नाम पर सीएम ने यह कहा है कि 1-1 लाख रुपए की एफडी की जाएगी। बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं वहन करेंगे और इसके साथ ही बच्चों की परवरिश के लिए 1 लाख रुपए उन मृतक के भाई को दिए गए हैं। हेमंत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर। हेमंत, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री और संवेदनशील फैसला कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी मुख्यमंत्री स्वयं वहन करेंगे, साथ ही बच्चों की परवरिश के लिए मृतक के भाई को 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खुड़मुड़ा पहुंचे थे और खुड़मुड़ा उनके पाटन विधानसभा क्षेत्र में आता है और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने जो मृतक के परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की है, उन्हें ढांढस बताया है और इसके साथ ही मदद का ऐलान भी उन्होंने किया है। एक जो मृतक है बलाराम सोनकर उनके तो चारों बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए की एफडी करना उन्होंने की है। इसके अलावा जो उनके भाई हैं, चलिए दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत शुक्रिया। तो दुर्ग के खुड़मुड़ा में मुख्यमंत्री बघेल पहुंचे हुए हैं, जांच अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली है, पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की है। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो स्वयं वहन करेंगे। तो जांच अधिकारियों के साथ बातचीत की है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी सीएम ने यहां पर ली है। सीएम बघेल खुड़मुड़ा गांव में परिवार के साथ उन्होंने इस दौरान मुलाकात की।